सो हाय गाइस एंड वेलकम टू टेक विजर्ड। और आज मेरे पास है एक नया प्रोडक्ट, ये है रेडगियर के कॉस्मो 7.1 गेमिंग हेडफोन्स। इनका रिव्यू वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को लगा, काफ़ी अमेजिंग लगा। और मैंने इनको कुछ दिनों से टेस्ट में लगा के रखा था देखने के लिए कि क्या ये सही में इतने ऑसम हैं या नहीं। आज हमारे टेस्ट कंक्लूड हुए और मैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, चैनल का नाम है टेक विजर्ड और मेरा नाम है सादिक, एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको बॉक्स में क्या क्या मिलने वाले हैं इसके। तो जैसे ही आप बॉक्स को खोलोगे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे ये हेडफोन्स। टेस्टिंग के लिए मैंने खोला हुआ था तो इसलिए ऑलरेडी इसका सामान निकला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक रेड गियर का स्टिकर, साथ ही में आपको एक यूज़र मैनुअल टाइप का मिल जाएगा जो आपको बताते हैं कैसे कनेक्ट करने है और क्या करने है। इसमें आपको एक सीडी भी मिल जाएगी, तो मैं आपको आगे बताऊँगा इसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। और अभी बॉक्स को ज़रा देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ हाइलाइट्स दी हुई हैं जो मैं पढ़ के आपको पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है कि ये प्रोग्रामेबल है, अभी उसका क्या मतलब है, मतलब कि इसका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आता होगा और उस पर जाके आप इसकी सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शो यू कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे आप कर सकते हो। साथ में दो और मेन हाइलाइट्स मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इसमें आपको 7.1 सराउंड साउंड मिल जाएगा जो कि काफ़ी हाई एंड हेडफोन्स वगैरह में आते हैं। साथ में आपको इसमें 50mm के ड्राइवर्स मिल जाएंगे, तो आपको बहुत अमेजिंग साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। अभी हेडफोन्स को ज़रा एक बार देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट आउट करती है वो है इसकी वायर। काफ़ी मोटी वायर यूज़ करी हुई है यहाँ पे और काफ़ी हाई क्वालिटी की वायर यहाँ पे यूज़ करी है। और इसकी लेंथ अराउंड 2 meters जितनी है या 1.5 meters जितनी है। तो जब आप हेडफोन को देखते हो तो यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा अटैच्ड, ठीक ही क्वालिटी का मेरे को लगा। यहाँ पे मेटल वगैरह तो कुछ यूज़ नहीं करे, मैलेबल प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ करो। साथ में आपको ईयर कफ्स बहुत ही कम्फर्टेबल यहाँ पे मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं एंड दे कवर योर ईयर पूरे तरीके से कम्प्लीटली। और जब आप इन्हें लगाते हो तो काफ़ी सारी एक्सटर्नल वॉइस भी ये कैंसिल कर देता है बस हेडफोन लगाने से। और जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हेडबैंड पूरा एडजस्टेबल मिलेगा और उसके ऊपर आपको मेटालिक आर्चेस मिल जाएंगे जो इस हेडफोन को शेप देते हैं। ये आपके सर के हिसाब से आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे आपको रेड गियर का लोगो मिल जाएगा। और अगर बटन्स और फंक्शंस इसके देखें तो आपको बटन कंट्रोल यहाँ पे मिल जा रहा है वायर में अटैच, और ये छोटा सा आपको रिमोट मिल रहा है। इसमें आपको मिल जाएगा वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, म्यूट बटन, साथ ही साथ एक डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाएगा लाइट के लिए। सो ये हेडफोन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप देखोगे ही तो आपको काफ़ी सॉलिड लगेंगे, अलग से लगेंगे। और हाँ, वायर आपको इसमें बस USB टाइप ए मिल जा रही है कनेक्ट करने के लिए, तो अगर आपको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्टर लेना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसका एक ज़रा इन डेप्थ रिव्यू करते हैं और मेरी टेस्टिंग के थ्रू आउट मेरे को कैसे एक्सपीरियंस रहा इन्हें यूज़ करने के बाद, इसमें गेमिंग करने के बाद में या मूवीज़ देखने के बाद में या इन्हें ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करने के बाद में, तो वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ कैटेगरीज़ में मैंने इस रिव्यू को डिवाइड करा हुआ है और उसके बेसिस पे कुछ कुछ रैंकिंग में इसको देने वाला हूँ, तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या ये परचेज करने चाहिए कि नहीं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप वहाँ पीछे रखा हुआ है और वहाँ तक इसकी वायर पहुँच रही है, बहुत लंबी है और काफ़ी अच्छी है। और जब आप इसे कनेक्ट करोगे अपने किसी भी डिवाइस से, फॉर एग्जांपल PS से या लैपटॉप वगैरह से, तो ऐसे आपकी RGB लाइट यहाँ साइड में जलने लगेगी। और अब हम RGB पे आए हैं तो डिज़ाइन पे ज़रा फोकस करते हैं और बात करते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा लगा मेरे को।
तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को, काफ़ी बल्की है ये, लेकिन आई लाइक द डिज़ाइन ओवरऑल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी RGB लाइट्स यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे काफ़ी कूल टेक्सचर भी दिया हुआ है, तो जब RGB जलती हैं तो काफ़ी डिफरेंट लगता है, और ऊपर से ये वाइट कलर के हैं तो और ज़्यादा हाईलाइट होकर आपकी लाइट्स वगैरह दिखेंगी। और अगर हम लोग हेडबैंड की बात करें तो हेडबैंड भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे जो मटेरियल इन्होंने यूज़ करा है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, और ऊपर में आपको रेड गियर का लोगो वगैरह भी मिल जाएगा, और साइड में जब आप देखोगे तो मेटालिक आर्चेस के एंड में भी आपको रेड गियर का एक लोगो मिल जाएगा और 7.1 लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि इसका सराउंड साउंड है। काफ़ी कूल लगा ओवरऑल मेरे को इसका डिज़ाइन। माइक मेरे को उतना ज़्यादा इसका अच्छा नहीं लगा, और बेटर कर सकते थे मे बी, जैसा वायर में मटेरियल यूज़ करे वैसा माइक में यूज़ कर सकते थे, प्लास्टिकी फील आता है माइक से, बट दैट इज़ द कौन इन डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव दिस एन 8/10, मुझे तो अच्छा लगा ओवरऑल, बस माइक में थोड़ा सा कौन लगा मेरे को। अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगा के सुना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साउंड ये प्रोड्यूस करके आपको देते हैं। और एक पॉइंट है जिस पे मैं काफ़ी एम्फेसिस डालना चाहता हूँ, वो है इसमें आपको बहुत अमेजिंग ट्रेबल और बेस मिल जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। और जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो ट्रेबल से बेसिकली ये होता है, तो जितनी भी छोटी छोटी आवाज़ें हैं, नॉइसेज हैं, फॉर एग्जांपल फुटस्टेप्स या गन फायर इन अ डिस्टेंस, तो वो सब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं। और ये हेडफोन्स लाउड भी हैं तो आपको हर एक आवाज़ काफ़ी डिस्टिंक्टिवली सुनाई देने वाली है। और इसका बेस भी काफ़ी बूस्टेड लगा मेरे को, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लोजन वगैरह काफ़ी अच्छे से सुनाई देने वाले हैं। तो ओवरऑल साउंड लाउड है, बेस बूस्टेड है, ट्रेबल अमेजिंग है, वेरी नाइस फॉर गेमिंग ओवरऑल। और अगर मूवीज़ वगैरह की बात करें या अगर आपको सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं तो आई वुडेंट रिकमेंड देम टू मच, बिकॉज ऑलरेडी दे आर लाउड हेडफोन्स, एंड अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो जो सॉन्ग्स में मेड जो लोज वगैरह हैं वो आपको दबे हुए मिलेंगे, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ख़राब है, ठीक ठाक है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के लिए मैं इसको आराम से एक 9/10 देता हूँ, बिकॉज जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस था इन्हें पहन के वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मे बी म्यूज़िक वगैरह में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनका रियल पर्पस म्यूज़िक नहीं है, देयर फॉर गेम्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन हेडफोन्स का मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि है इसका कम्फर्ट। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, एंड आई एम अ पर्सन जो काफ़ी लॉन्ग आवर्स के लिए गेमिंग वगैरह करते हैं। इसका जो ईयर कप्स वगैरह हैं वो काफ़ी मोटे हैं, एंड स्पेशली इन विंटर्स वगैरह ना आपको तो मज़ा आ जाएगा जब आप इन्हें पहन के गेमिंग करोगे। और ऊपर से जो इसका हेडबैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे को लगा, क्योंकि ये आपके सर के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब कि आपके सर पे क्लैंपिंग फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाले, और ये आपको काफ़ी एक कंफर्टेबल फिटिंग देने वाले हैं। तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है इन हेडफोन्स का, और आराम से आप इन्हें लॉन्ग आवर्स के लिए पहन सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े फंक्शंस और इसका जो प्रोग्रामेबल लिखा हुआ था तो उसका क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब है कि इसका आपको एक सॉफ्टवेयर आता है, तो जब आप ड्राइवर को इंस्टॉल करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा, एंड आपको कुछ इस तरीके का आइकन आपके लैपटॉप पे मिल जाएगा या कंप्यूटर पे मिल जाएगा। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट, आपको टॉप राइट कॉर्नर में डिवाइस कनेक्शन का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने हेडफोन्स के सारे फंक्शंस वगैरह को एक्सेस कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद है, जैसे कि आप इसमें इक्वलाइजर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसका RGB वगैरह में कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, या आपको माइक में चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट और कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो गाइज, इसका जो फंक्शंस एंड सॉफ्टवेयर वगैरह थे वो उतने ज़्यादा मेरे को मॉडर्न नहीं लगे, थोड़े आउटडेटेड लगे, और डिस्क वगैरह दिया हुआ है जो कि आजकल के नए लैपटॉप्स में तो डलती भी नहीं है। सो फंक्शंस इन कनेक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए आई वुड लाइक टू गिव दिस 7/10, उतना ज़्यादा अमेजिंग मेरे को नहीं लगा। वट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये हेडफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं? सो मेरी तरफ से तो हाँ है, आप खरीद सकते हो ये हेडफोन्स, और मैंने बेसिकली इनको ऑर्डर इसलिए किया है बिकॉज दे आर क्वाइट पॉपुलर, दे हैव वेरी गुड रिव्यूज ऑन Amazon,
एंड ओवरऑल प्राइस अभी इसका 1999 चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इसमें सराउंड साउंड 7.1 मिल जाएगा और साथ में ही आपको इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी की वायर्स वगैरह मिल जाएंगी। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 100% वॉल्यूम में इन्हें सुनते हो तो आपको वॉइस लीकेज एक्सपीरियंस हो सकता है। दे आर लाउड ओवरऑल हेडफोन्स और वॉइस लीकेज एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट दैट वियर्ड। बाकी इसमें इतने ज़्यादा कुछ कॉन्स मेरे को नहीं लगे, कंफर्टेबल हैं, स्टाइलिश हैं और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो दे आर गोइंग टू लास्ट यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है तो डेफिनेटली दे आर वर्थ इट एंड यू कैन बाय देम। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टूडेज रिव्यू इन हेडफोन्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को भेजिए अगर जिनको गेमिंग हेडफोन्स चाहिए। मैं और ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।